क्लास 8 में और क्लास 9 में तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक चीज समझे होगे कि हम लोग अगर मान ले कि एक पॉइंट को किसी ग्राफ के ऊपर में किस तरह से प्लॉट करते हैं। सबसे पहला बात तो अगर मान ले कि आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए ये वाई एक्सिस हो जाता है, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर हम लोग माइनस एक्स एक्सिस लिखते हैं, इधर माइनस वाई एक्सिस। और आप पॉइंट को प्लॉट करना जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस का या एक्स एक्सिस में जो भी वैल्यू होता है उसको हम लोग एब्सिसा कहते हैं, और वाई एक्सिस का जो वैल्यू होता है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स एक्सिस वाले को एब्सिसा कहते हैं और वाई वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं। अब कभी भी मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 3, तो 2 3 मतलब कि एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 3, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये 1 2, फिर यहाँ 1 2 3 ऐसे हुआ ना, तो हम यहाँ पर 2, ये एक्स एक्सिस पर आए 2 और वाई एक्सिस पे जाते थे 3 यहाँ पे, ठीक। हम इस पॉइंट पे एक वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं। अभी जैसे हम आपको दिखाने के लिए इसको 2 3 लिखे हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं x1 y1। और एक और मेरे पास पॉइंट है, मान लीजिए कि दिया हुआ है 5 और चाहे यहां पे लेते हैं 6, यहां से लेते हैं 7 6, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 6 7, सिक्स 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 सिक्स। तो 6 6 का मतलब क्या हुआ कि अगर फिर हम हाथ लेंगे 1 2 3 4 5 और फिर यहां पर आ जाएंगे 6, और फिर यहां भी 6 मतलब कि ऊपर में जाएंगे और फिर 6 लेंगे, है ना। तो हम लोग यहां से मान लेंगे एक और पॉइंट लिए यहां पे, ये थोड़ा देर पे मान लेंगे 6 है, इस पॉइंट को मान लिए x2 y2। इस तरीके से हम प्लॉट करना जानते थे। अब हमको यहां पे क्या पढ़ना है कि इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना। वेरिएबल पॉइंट ये x1 y1 और x2 y2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस मतलब कि ये बीच का आपका डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस हो गया, हुआ ना। अब मान लीजिए ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, हमको ए बी बताना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमको सबसे पहले निकालना है कि अगर मेरे पास दो पॉइंट दिया हुआ है तो उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो हम समझाने के लिए लेते कि जैसे कि यहाँ पे x1 y1, तो ये 2 है, ये 3 है, ये 2 और ये 3। 2 का मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक 2 है, ये यहां से अगर इसको इसको मिला दीजिए, यहां से यहां तक ये मतलब x1 हो गया। और अगर ये y1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो डिस्टेंस हो गया मेरा y1 हो गया, ठीक। सिमिलर वे में अगर ये x2 है, यहां से नीचे इसको ले आओ, ठीक है ना, यहां से ये पूरा जो डिस्टेंस हो गया मेरा x2 हो गया। और अगर ये y2 है तो इसका मतलब ये पूरा यहां से यहां तक y2 हो गया, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि यहां से एक लाइन खींचते हैं, अभी हम लोग को निकालना है ए बी। तो ए बी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। आपके पास बन गया एक ट्रायंगल, इस पॉइंट को ले लेते हैं सी, ये ट्रायंगल बन गया ना, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। राइट एंगल ट्रायंगल में आप फिर पाइथागोरस थ्योरम अगर तुम पढ़े होगे तो तुमको पता होगा कि ए बी, ए बी जो है आपका हाइपोटेनस है, ए बी का स्क्वायर बराबर होता है बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये तो पढ़े है ना। तो अगर हमको किसी भी तरीके से ए सी पता चल जाए, बी सी पता चल जाए, तो हम आराम से ए बी निकाल सकते हैं। तो अब ये देखिए कि यहां से यहां तक आपका क्या है एक्स टू, यहां से यहां तक एक्स टू, एक्स टू मतलब इसके हिसाब से चलो तो हम लोग इसको 6 मान सकते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 6 है। और ये एक्स वन आप मान लीजिए थोड़ा देर में 2 मान रहे हैं, ठीक है ना। तो बीच का डिस्टेंस कितना हुआ,
फोर और वेरिएबल टर्म में लिखे तो इस x2 और x1 के टर्म में लिखे तो x2 माइनस x1, तो हम यहां से देखो यहां से लेकर के यहां तक का बीच का जो डिस्टेंस है इसको x2 माइनस x1 लिखेंगे, मतलब इसको लिखेंगे x2 माइनस x1, क्लियर। तो आपका AC आ गया कितना, x2 माइनस x1। सिमिलर वे में अब आप देख रहे हो ना कि ये BC ये पूरा का पूरा y2 है और इतना मतलब कि ये और अटर पार्ट जो है कितना है y1 है, मतलब यहां से यहां तक आपका ये भी कितना है y1। तो अब y2 और y1 के रिस्पेक्ट में बताओ तो BC मेरा कितना होगा, ये BC आपका हो जाएगा y2 माइनस y1। और फिर हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि देखो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम से। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर BC का यहां स्क्वायर, BC कितना है आपका BC y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और AC x2 माइनस होल स्क्वायर, मतलब कि अगर आप यहां से AB लिखे अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा रूट, अब प्लस में तो हम आगे पीछे लिख ही सकते हैं तो हम इसको आगे लिख देते हैं, यहां लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। तो इसका मतलब इन शॉर्ट हम डिस्टेंस फॉर्मूला d बराबर क्या लिखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, समझ में आया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब अगर मेरे पास दो पॉइंट दिया हुआ हो तो बाय यूजिंग अ डिस्टेंस फॉर्मूला इस फॉर्मूला का यूज करके उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब आपको कुछ और बेसिक चीज बता दें, ये कोऑर्डिनेट है क्या चीज, अब इसमें क्या कहता है कि ये कहा जाता है ना कि ये टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल मतलब कि आप देखेंगे तो इसमें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, आगे पढ़िएगा तो थ्री डायमेंशनल मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जैसे कि अगर इस रूम को देखो तो इस रूम में अगर मान लो कि आप अगर फ्लोर पे बैठे हुए तो फ्लोर पे बैठे हुए तो हम इस कोना को क्या करते हैं ओरिजिन मान लेते हैं और हम हर एक बच्चे का एक पॉइंट निकालना चाहते हैं कि बच्चा जो है इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में वो कहां पे बैठा हुआ है, तो हम मान लेंगे ऐसे एक्स एक्सिस मतलब लेंथ में सीधा कुछ जाएंगे और फिर ब्रेथ में कुछ आएंगे, पहले लेंथ में जाएंगे ना सीधा पहले लेंथ में गए फिर ब्रेथ में आए, तो जितना आगे जाएंगे उसको एक्स एक्सिस मानेंगे, जैसे तीन कदम आगे गए वन टू थ्री तो थ्री हो गया, फिर मान लेंगे लेफ्ट साइड गए टू तो थ्री कॉमा टू उसका कोऑर्डिनेट हो गया, अब मान लें उस बच्चे का कोऑर्डिनेट करना है तो वन टू थ्री फिर वन टू थ्री, ठीक है ना, उधर पॉजिटिव मान रहे मतलब कि हम यहाँ पे ओरिजिन है सामने को क्या मानेंगे पॉजिटिव और इधर को मान लेते मानते पॉजिटिव, ये क्या हो गया वाई एक्सिस हम मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है और इधर जो है माइनस वाई एक्सिस, तो अगर हम मान लें कि यहां से वन टू थ्री और वन टू थ्री इसका कोऑर्डिनेट हो गया थ्री कॉमा थ्री, लेकिन यहां से अगर इधर को एक बच्चा रहता तो वन टू थ्री और ये माइनस वन तो थ्री कॉमा माइनस वन, तो इसका यूज करके हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन बता सकते हैं विथ रिस्पेक्ट ऑफ एनी गिवन पॉइंट, कि किसी गिवन पॉइंट को हम ओरिजिन बना लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में फिर हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन बता सकते हैं कि वहां से कितना आगे कितना दाएं कितना बाएं एग्जैक्ट, जैसे इस रूम को हम अगर किसी को कोने को ओरिजिन बना लेते हैं और फिर हम बता देते हैं कि देखिए ये मेरा जो क्लासरूम है उसका कॉर्नर जो है वो ओरिजिन है और हर बच्चे का हम कोऑर्डिनेट बता देते हैं, जैसे एक रूम का फिगर बना दिया ऐसे
ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बना दिए और कहे कि ये मेरा जो है ना ओरिजिन है, चलिए ओरिजिन है, ठीक। और बोले कि हर बच्चा जो मेरे क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ है उसका पोजीशन, तो पोजीशन तो फिगर नहीं बनाया, सबका कोऑर्डिनेट दे दिए, तो कोऑर्डिनेट दे दिए, तो जिसके पास भी ये इंफॉर्मेशन गया वो आराम से कोऑर्डिनेट के बेसिस पे पॉइंट कर सकता है, प्लॉट एक बच्चा यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ऐसे प्लॉट कर सकता है ना। क्या बिना कोऑर्डिनेट के हेल्प के आप किसी बच्चे का पोजीशन बता सकते हो? तो बताओ, कोई तरीका है आपके पास बताने का? नहीं, लेकिन इसके हेल्प से आप उसका पोजीशन इजिली बता सकते हो। अब दो बच्चे के बीच में कितना डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पे बच्चा बैठा हुआ है ऐसे ढेर सारा, बोले कि बताइए कि ये स्टूडेंट ए और इसके बीच में बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो फिर ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, समझे। तो एक्चुअली में कोऑर्डिनेट वहीं पे यूज होता है किसी चीज का पोजीशन बताने के लिए। थ्री डायमेंशनल, अभी तो अगर तुम फ्लोर पे बैठे हो तो टू डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ का यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हवा में भी है तो लेंथ ब्रेथ और उसके साथ उसमें क्या हो जाएगा, हाइट, तो थ्री डायमेंशनल आ जाएगा, एक्स वाई और जेड। तो आई होप कि आपको बेसिक समझ में आएगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला, कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कि आप कोऑर्डिनेट को कहां पे यूज करते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर पे डिस्कस करते हैं, ठीक है सर। डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है किसी भी दो पॉइंट के बीच? नहीं, डिस्टेंस नेवर शुड बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं आता, और ऐसे भी आप देख रहे हैं ना कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, समझे। रूट है, रूट में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा, लेकिन डिस्टेंस आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर? और कोई क्वेश्चन?